अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। को बताया आज सघन चेकिंग अभियान चल रहा है रांची के हर कोने में। रांची के हर कोने में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात को 9 बजने को है फिर भी चेकिंग अभियान जारी है स्पेशल फोर्सों के द्वारा। आप देख सकते हैं स्पेशल फोर्सों के द्वारा ये अभियान पे जोर आज दिया गया है। ट्रैफिक के जवान और स्पेशल फोर्स के जवान सभी इसमें आज लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। आइए यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आज देखा जाए कि चेकिंग अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है, रीजन क्या है? बढ़ते अपराध को रोकने के लिए बहुत चिंता हो रहा है, इसीलिए ज्यादातर ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट इसी का चेकिंग किया जा रहा है। ये अभियान कितना बजे चल रहा था? ये सुबह 11 बजे से 1 बजे तक था, बाद फिर हुआ 4 से 6, अभी 7 से 9 चल रहा है। फिर अभी स्पेशल फोर्सों का भी, इसमें स्पेशल फोर्सों का भी सहारा लिया जा रहा है? हाँ, स्पेशल फोर्स लाइन से आया हुआ है। ट्रैफिक और स्पेशल फोर्स दोनों के सहारा लिया जा रहा है? हाँ, दोनों मिलकर दिया जा रहा है। जो विदाउट हेलमेट चल रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? खास करके समझाया भी जा रहा है, फाइन भी काटा जा रहा है। पहले समझाया जा रहा है, उसके बाद फाइन काटा जा रहा है ताकि फिर आगे सुधर जाए। वो पब्लिक खास करके नाराज है कि इस पे पुलिस वाले जुर्म करते हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पर आप लोग खुद जान रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जुल्म कर रहा है क्या कर रहा है। पहले तो हम लोग 5-6 महीना तक हर मेला में बाजार में लगा करके स्टॉल समझाया गया, चॉकलेट बांटा गया, पेन बांटा गया, फिर भी अब फाइन लगा दिया गया, कुछ सुधर जाए लोग। फिर भी आपको रोड पर देखिए कम से कम 95% आदमी हेलमेट लगा के चल रहे हैं, अभी 5% जो है नहीं लगा रहे, कुछ भूल जा रहे हैं या कुछ जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, नहीं लेके चल रहे हैं तो उनका फाइन काटा जा रहा है। हेलमेट जो बाइक चलाते हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए खासकर कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है, पूरी ज़िंदगी उनका बाल बच्चा इंतजार करता है कि आएंगे लौट करके, और हो सकता है घटना दुर्घटना हो जाए तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है रोड पर, हेलमेट रहेगा तो बहुत बचाव रहेगा उनको। फाइन का प्रावधान क्या है सर? फाइन का प्रावधान विदाउट हेलमेट का 100 रुपये फाइन कटता है। नहीं नहीं, ये फाइन जैसे किसी का फाइन कटता है इसका फाइन भरने का प्रावधान क्या है? बहुत लोगों को आज तक अभी तक पता नहीं है। फाइन हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद उनके मोबाइल मैसेज जाता है, एक पुर्जा दिया जाता है, वो जा करके हमारे ट्रैफिक थाना जितने भी 4 थाना हैं चारों में जाकर जमा कर सकते हैं, या सिटी कंट्रोल जहाँ पर है हम लोग का है वहाँ जा करके काउंटर खुला हुआ है वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। आईआरबी के जवान भी इस चेकिंग अभियान में आज लगाए गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन को सुरक्षा देने के लिए समझाया जा रहा है, ना कि ये फाइन वसूलने के लिए किया जा रहा है। आप सलामत रहें, ये सबकी सब लोगों की तरफ से ये दुआ है, अपने घर को पहुंचे। इस चलते आज प्रशासन खास करके आप लोगों को ये समझा रही है, हम मीडिया के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि इन सब चीजों पे आप ध्यान दें। आप देखिए अब इनको, आप ऐसे लड़के हैं, आप देख सकते हैं इस समय। तो इनको आप अपने जीवन से खलवाड़ तो कर ही रहे हैं, आप अपने गार्जियन को भी धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज को लेकर के खास करके आप ध्यान में रखें। हमारा काम आपका हरासमेंट देना नहीं है, हमारा काम आपको परेशान करना नहीं है, ना ही काम ये प्रशासन का है कि आपको परेशान करे, ये आपके सेफ्टी के लिए सब किया जा रहा है। Thank you.
सर, ये आज कोई खास अभियान था क्या? हाँ, आज स्पेशल था, एक विशेष अभियान था ट्रैफिक का, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट का। ये कितना बजे कितना तक अभियान है सर? ये सवेरे 11 बजे से था 1 बजे तक, फिर उससे 3 से 5 था, फिर 7 से 9। अभी देख रहे हैं कुछ स्पेशल फोर्स भी मंगाया गया है चेकिंग के लिए ही। धन्यवाद सर। रफ्तार का कहर इन बच्चों को, इस बच्चों को देख सकते हैं। आज हेलमेट की बात होती है तो इनको खराब लगता है कि हम हेलमेट क्यों पहने। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे और पिकअप की रफ्तार देख सकते हैं इन बच्चों को, इनको खराब भी लगता है कि आप फोटो क्यों ले रहे हैं। सर क्या हुआ था? एक पिस्का मोड़ के ओर से और उधर पंडा की ओर से दो बाइक आ रही थी और एक पल्सर में था और ये स्प्लेंडर गाड़ी में टक्कर हो गई है, जिससे गाड़ी पर क्षतिग्रस्त हो गई। किसी तरह इलाज करवाया गया, जिसका चोट फूट लगा वो गाड़ी का कंप्रोमाइज करके दोनों बनवाने के तैयार हो गए दोनों। इसमें बच्चे क्या हेलमेट पहने हुए थे? बच्चे हेलमेट पहने नहीं थे और जिसको जो हेलमेट पहने थे वो चोट नहीं लगा, बच्चे जो चोट नहीं लगा, जो हेलमेट नहीं पहने थे उसको चोट लगा, पूरी तरह से उसका छिला गया, लफड़ा छिला गया। हेलमेट पहनना जरूरी है, बस वही मैं आपको जानना चाह रहा था कि हेलमेट को लेकर के विशेष करके क्या बोलना चाहिए। हेलमेट पहनना जरूरी है, उसको उसका फोटो देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरा उसका चेहरा पूरा खराब हो गया है। वो हेलमेट पहना हुआ था? वो पहना हुआ नहीं था, इसी चलते उसका चेहरा बर्बाद हो गया। वो हेलमेट पहना हुआ नहीं था? नहीं था। जो हेलमेट पहने हुए थे वो बच गए? वो बच गया, हमको कुछ नहीं हुआ एक्सीडेंट के बाद। तीन गाड़ियां आपस में भिड़ी, जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे उनको चोटें आई, जो हेलमेट पहने हुए थे वो बच चुके हैं। सर क्या हुआ था? मैं तो अपने साइड से आ रहा था, हेलमेट भी पहना था, लेकिन रॉन्ग साइड से जो लोग आ रहे थे दो बाइक वाले थे और दोनों बिना हेलमेट का पूरा बहुत तेजी से उन लोग लगता है रेस लगा रहे थे कि क्या, ऐसा मेरे को धक्का मारा कि गाड़ी का तो मैंने समझिए कि पूरा चकनाचूर आगे का हिस्सा हो गया, लेकिन हम बच गए क्योंकि हम हेलमेट पहने हुए थे। मेरा कहीं भी चोट नहीं लगा, थोड़ा सा नीचे पाँव में खरोंच आया है, शूज भी पहने हुए थे जिसके चलते पाँव में भी हल्का ही चोट आया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गया है। ये जो गाड़ी क्षतिग्रस्त है आपकी हुई है? हाँ, मेरी ही गाड़ी हुई है। तो खास करके जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बस मेरा तो एक बहुत अच्छा मतलब ये है कि एक्सपीरियंस बहुत पहले से रहा है कि जो लोग भी हेलमेट पहनना अपने ऊपर ये समझते हैं कि मतलब हम किसी भी कारण से हेलमेट ना पहने, उनको किसी भी कोई एक कारण ढूंढ करके अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने खुद की लाइफ को देखते हुए हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। अगर वो गाड़ी पे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मेरा ये संदेश है कि वो हेलमेट जरूर पहने ताकि उनका भविष्य बचा रह जाए और साथ साथ उनके पीछे जो उनका पूरा परिवार है वो भी सुरक्षित रह जाए, जिससे कि मैं आज बचा। जिस तरह का वो लोग मारा था, जिस तरह के दोनों बाइक वाले मेरे को ठोकर मारे थे, अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो अभी ऑन द स्पॉट मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो दोनों गाड़ियाँ कितनी पिकअप में होगी उस समय? ऑलमोस्ट सर उन लोग मेरे को जैसा उन लोग का तेज चाल था, हमको लगता है कि 80 के किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन लोग होंगे, ताकि इतना बड़ा डैमेज हो, सॉकर तोड़ दिया, सॉकर को फाड़ दिया, इसका मतलब ये जरूर बनता है कि उन लोग 70 किलोमीटर से एबव की स्पीड में थे। आप देख सकते हैं इस समय इनकी जो गाड़ी है क्या स्थिति है, जो इनके साथ घटी है घटना ये बयान कर रहे थे अभी। देख दीजिए लोगों को कि हेलमेट जरूर पहने, बिना हेलमेट का उनके जीवन का कोई मोल नहीं है। मीडिया का लोग इस साल गाली देते हैं कि ये हेलमेट छोड़ के इनको कुछ नहीं मिलता। जो लोग भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करते हैं और उनके प्रति अगर लोगों का ये आक्रोश फूटता है, लोगों को गलत बयान करते हैं, तो बहुत गलत बात है। आज आम आदमी की सुरक्षा के लिए, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे मीडिया के भाई बंधु हो, जो लोग भी हो, सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए हमें जागरूक करते हैं, हमें ये प्रेरित करते हैं, चाहे हमें फोर्स भी करते हैं कि हाँ हेलमेट जरूर पहने। अब इसको लोग अदरवाइज लेता है तो ये तो हमारे आम पब्लिक की मदद करिए कि मूर्खता ही कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहें SMP झारखंड। नमस्कार।